देश विदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतू विष्ट और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर खटीमा से है, पश्चिमी बंगाल सरकार की बर्खास्तगी की मांग। आपको बताते चले, कल पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए मामले में राज्य सरकार की बर्खास्तगी की मांग को लेकर खटीमा के झनकन मंडल की भाजपा युवा मोर्चा की टीम ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन। पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आने वाले चुनाव को लेकर जबरदस्त तैयारी की जा रही है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लगातार पश्चिम बंगाल के दौरे हो रहे हैं। उसी परिपेक्ष में कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा किए जा रहे पश्चिम बंगाल में के दौरे के दौरान उनके काफिले पर तृणमूल कांग्रेस युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया। बुलेट प्रूफ कार होने के कारण जेपी नड्डा घायल होने से बच गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले से नाराज उधमसिंह नगर जनपद के झनकट मंडल की भाजपा युवा मोर्चा की टीम द्वारा पश्चिम बंगाल की सरकार की बर्खास्तगी की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी खटीमा को सौंपा गया। युवा मोर्चा की मांग है कि पश्चिमी बंगाल की सरकार को राष्ट्रपति अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए बर्खास्त करे, क्योंकि वहां पर लोकतंत्र के नाम पर विरोधी पार्टियों पर हमले किए जा रहे, जो लोकतंत्र का अपमान है। आप देख रहे खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। युवा मोर्चा झनकट मंडल टीम द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन हमारी उपजिलाधिकारी महोदय को दिया गया है, जो कल 10/12/2020 को जो पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी एवं कैलाश विजयवर्गीय जी एवं स्थानीय कार्यकर्ताओं पर जो हमला ममता बनर्जी के द्वारा किया गया है, उसके विषय में हमने आज ज्ञापन महोदय उपजिलाधिकारी जी को दिया है। हमारी यही मांग है कि जो भी ये वहां की सरकार है उसे बर्खास्त किया जाए। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर।